नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं। ट्रैक्टर खरीदा है हाल फिलहाल में, स्वराज का 744 FE न्यू लुक न्यू सीरीज का 5-स्टार ट्रैक्टर है, 4-व्हील ड्राइव के अंदर खरीदा है। तो इसकी तरफ क्यों जाना पड़ा, कीमत क्या है, माइलेज किस तरीके का है और ट्रैक्टर का काम किस तरीके का लगा, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपके साथ कराऊंगा मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सामने से जो आपको मेरे दर्शक भाई कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, एक छोटा सा अपना परिचय उन्हें करा दो। मेरा है नाम एलिश खान जी, मैं रहने वाला हूँ चंदेरू का, जिला बुलंदशहर, तहसील सिकंदराबाद। तो भाई ट्रैक्टर की अगर बात कर लूँ, लगभग खरीदे हुए समय कितना हो गया? 13 सितंबर को लिया था ये। तो जैसे 13 सितंबर को आपने ये ट्रैक्टर खरीदा, इसके पहले भी ट्रैक्टर चलाते थे? पहला ही खरीदा? ड्राइविंग करता था, कहीं चला गया, किसी का मैसी था 243, वो चलाता था। अच्छा अच्छा, मतलब अपना नहीं था, पहले चलाते थे किराए भाड़े पे। जी जी जी। तो जैसे आप स्वराज की तरफ गए, पहला ट्रैक्टर आपने अपनी जिंदगी में खरीदा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। स्वराज की तरफ क्यों गए फिर आप? जैसे भैया स्वराज जो है बहुत कम ही से दम तोड़ता है ट्रैक्टर जो है, बहुत से कहते हैं डीजल ये खा रहा है और वो खा रहा है, शेर पालना हर किसी के बस की नहीं है। तो इस वजह से ये स्वराज लिया, तेल का जैसा तेल खाता है काम करता है, अपना काम भी दिखाता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं दिखाता, काम भी खूब दिखाता है। तो लगभग जैसे आपने खरीदा है 1.5 महीना हुआ है जी भैया जी, तो लगभग कितने घंटे चला लिया होगा? 132 घंटे चला है। 132 घंटे जी। किस के ऊपर देखा चलाया गया? मैंने मुंजी बरसानी मशीन पे चला लिया, टेलर पे भी चला लिया, रूटर पे भी चला लिया और आपका ट्रॉली पे भी चला लिया। ट्रॉली पे चला लिया, यानी कि कुल मिलाया के अच्छे खासे यंत्रों के ऊपर चलाया के देख लिया। जी जी। तो रोटावेटर भी चलाया, हैरो पे भी चलाया। तो रोटावेटर की बात मैं कर लूं, 7 फीट का रोटावेटर है जी, 7 फुट का रोटावेटर। रोटावेटर के ऊपर डीजल खपत क्या आई और काम किस तरीके का करा भैया? कम से कम लगभग तुम्हारा 3 से 3.5 घंटे का तेल खाता है रूटर पे। 3 से 3.5 लीटर घंटे का जी। घंटे में लगभग काम की बात कर लूं तो कर देता है, रूटर निकाल देता है 10 बीघे के करीब, एक घंटे में 10-11-12। ये आप जो बता रहे हो ये मतलब दूसरे गियर में चलाते हो आप ट्रैक्टर? जी, दूसरे के लो में दूसरे में चलाते हो। पहले की बात करूं तो काम आधा हो जाता होगा। जी जी जी। तो लगभग जैसे रोटावेटर पे आपने चला लिया, कल्टीवेटर की बात मैं कर लूं तो कल्टीवेटर के ऊपर लगभग क्या डीजल खपत आती है? डीजल कल्टीवेटर पे ऐसे खाएगा 3 घंटे का, 3 लीटर घंटे। जी जी। बाकी काम किस तरीके का लगा ट्रैक्टर का? काम बहुत बढ़िया करता है, मन खुश है। जैसे मैंने देखा है बहुत सी जगह कि जैसे मैंने ट्रॉली या रोटावेटर जैसे भरे के ऊपर से निकालता हूँ ना, तो बहुत सी पीछे वाले टायर बिल्कुल जैसे फ्री हो जाते हैं, तो 4x4 निकल लगा वो तो निकल जाता है। अच्छा, 4x4 का आपको बेनिफिट मिल जाता है। जी जी। एक बार हो गया था मेरे साथ ऐसे ही, तो फंस गया था ना, तो किसी को बुलाता आता, फोन करता, समय लगता, तो समय लगता, उसने समय बचा दिया। जी। तो जैसे आप 4-व्हील की तरफ गए, क्या पहले जैसे आप भाड़े पे चलाते थे ट्रैक्टर औरों के, तो वहाँ 4-व्हील चलाया था किसी का? नहीं, किसी का नहीं चलाया। 2-व्हील ही चलाया। 4-व्हील की तरफ क्यों गए? ये अच्छा लगा ना देख के, मैं कभी बैठा ही नहीं 4x4 पे। 4x4 पे बैठे ही नहीं थे इसके पहले कभी। स्लिप बहुत काटता था ना, तो स्लिप काटता था, मैंने सोचा मैंने कहा एक बार लेके देखता हूँ 4x4। तो पापा ने भी मना करा, हमने मना करा, घर को ने भी मना करा, मैंने कहा नहीं 4x4 ही लेंगे मैंने कहा। अच्छा, जैसे किसान भाई मैंने देखा है, ज्यादातर किसान भाई जब 4-व्हील की बात आती है, अगले टायर बड़े दिखाई देते हैं, तो किसान कहते हैं कि डीजल ज्यादा खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है वो चीज नहीं थी नहीं, नहीं, नहीं। मतलब पहले से कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी भी थी, बस यूट्यूब पर देखा, मुझे पसंद आ गया ये। जी जी। इसका आगे से बोनट खुलता है, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए जी जी जी। आगे से पहले क्या था, स्वराज में ऊपर से खुलता था, अंदर कपड़ा नहीं लगता था सही से, आराम से कपड़ा उपड़ा मारो, पानी लाओ, कोई काम करना है इंजन के अंदर, सर्विसिंग होनी है या कपड़ा मारना है, सफाई करनी है, तो वो सहूलियत भरा कर दिया। जी जी। जैक दिया है साइड में, यहाँ लगावा, पहले पूरा मैकेनिकल बोनेट था, वो उधर वाला पार्ट खुलता था, ये खुलता था, ऊपर वाला खुलता था। अब आराम से ऊपर करो, मिस्त्री भी अपने कुछ भी काम कर सकता है, आसानी से कर सकता है। जी जी। और क्या सहूलियत आपको इसके अंदर नजर आई भैया? सहूलियत ये है, काम की बेनिफिट बहुत अच्छी है इस टाइम, हर कोई देखो अपनी चीज की कोई बुराई नहीं कर सकता। बहुत से कहते हैं कि मेरा ट्रैक्टर यूं है, मेरा ट्रैक्टर यूं है, टूचन करो, कितनों ने कहा, मैंने किसी से टूचन नहीं करी, अपने शौक से लाया हूं, अपने शौक में चलाना। टूचन की अगर बात मैं कर लूं तो टूचन से ना तो ताकत का पता चलता है ट्रैक्टर नहीं, जिसका टायर जम गया वो लेगा, जम गया वो खींच के ले जाएगा, उससे ताकत का तो कोई पता चलता नहीं। बाकी अगर मैं जैसे बात करूं, आप इसकी तरफ गए, स्वराज का 44 आपने खरीदा, पहले कुछ खरीदने से पहले बंदा उससे कुछ उम्मीदें रखता है कि यार ऐसा काम करेगा मेरा ट्रैक्टर, ऐसा काम करेगा, तो क्या आपकी उम्मीदों के ऊपर ट्रैक्टर खरा उतरा? मुझे पसंद आ गया, बस पसंद की बात है, जिसको जो चीज पसंद आ जाए वो ले लेता है। बिल्कुल जी। तो उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा ट्रैक्टर, काम करा उस लेवल? हाँ, उस लेवल का काम करा, उस लेवल का काम। हाँ, मैं मिट्टी का भराव भी करता हूँ, बहुत सी जगह करें, तो ट्रॉली पीछे बैक में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती 4x4 में।
जी। अच्छा जैसे बात मैं करूँ, ये नई वाली सो है, पहले जो सो आती थी किसान भाई आज के टाइम में भी ये कह रहे हैं कि वो सो ज्यादा अच्छी थी, तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं आई कि यार उस सो को लें, इस सो की तरफ आप गए नहीं? ये कंपनी में लॉन्च आया था ना, सबसे पहले तुम यकीन नहीं मानोगे गांव में बहुत लोग देखने आए, नहीं हर किसी के घर में ट्रैक्टर आता है, कौन किसके किसके पास इतना टाइम रखा आने जाने को। जब मैं ट्रैक्टर लाया, छतरी वतरी लगवाई, तो सब देखने आए, घर घर से बच्चे सब देखने आए थे। बिल्कुल, यानी कि एक अलग पहचान भी गाँव में बनी इस मॉडल, और सबने कहा कि लड़का ट्रैक्टर वाकई में बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा, हाँ, जलन भी हुई बहुतों के। बिल्कुल, वो तो लगती है किसी के, हाँ हाँ, इसका लगनी है। बिल्कुल, बाकी जो अपने करीबी थे या जान पहचान वाले थे उन्होंने सबने कहा कि अच्छा ट्रैक्टर? जी जी, सब ने कहा। बिल्कुल, कीमत का अंदाजा करा दो मेरे किसान भाइयों को, लगभग कीमत ये कीमत ली थी मैंने 8,60,000 में। 8,60,000 ऑन रोड पड़ा है? जी ऑन रोड मैंने 5,60,000 जमा करे, 3,00,000 रुपए का लोन कराया, 3,00,000 का फाइनेंस अपने सिकंदराबाद से ट्रैक्टर लिया था मैंने, हरिंदर फौजी के यहाँ से। जी जी, अच्छा डीलर साहब की बात मैं कर लूँ, जैसे आपने डीलर का नाम ले ही दिया, डीलर साहब का मतलब व्यवहार किस तरीके का? बहुत अच्छे व्यवहार है उनका, बहुत अच्छे हैं। अगर मैंने यूँ कह दिया भैया ऐसे है तो ऐसे है जी, व्यवहार अच्छा है। जी अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता जैसे आपने ट्रैक्टर खरीद लिया? नहीं, मैंने देखा है, एक सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर बुक करा था, सबसे पहले XT5 Star जी, तो देवेंद्र नाम का था, 50,000 रुपये लेकर भाग गया जी, तो वो कुछ मसला हो गया था, जेल वेल में चला गया था, तो उसका व्यवहार भी गंदा था। इनके भैया के पास गया मैं, पैसे जमा करके आया 25,000, एक कहने लगे अलीस घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, अगर तुझे पैसे चाहिए तो वापसी ले जा। मैंने कहा नहीं, मैंने ट्रैक्टर बुक कर दिया जी, व्यवहार अच्छा है, मतलब पैसे भी वापस देने को तैयार जी, जी व्यवहार अच्छा है, चीज वहाँ से लो जहाँ से व्यवहार अच्छा हो। बिल्कुल जी, हाई ये थोड़े इज्जत बेकार इंसान। देखो किसान को मान लो किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर ले लो, आज आपने स्वराज ले लिया, महिंद्रा भी ले लेते, तो सर्विस की तो जरूरत पड़ेगी, सर्विस कराने जाएगा किसान डीलर के पास, डीलर का व्यवहार बेकार है तो किसान बेचारा परेशान हो जाता है। जी जी, तो कुल मिला के अगर बात कर लूँ डीलर की तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी और ट्रैक्टर की तरफ से भी फुल संतुष्टि है। जी जी, क्या राय दोगे आज के समय में? देखो लाखों किसान भाई आपको अपनी समझ है, देखो सब जी, जी, जी। लेकिन आपकी अपनी समस्या, जैसे आपने ट्रैक्टर और भी चलाए हैं, अब आपने स्वराज खरीदा है, तो क्या आपकी समस्या किसान भाई स्वराज की तरफ चला जाए या किसी अन्य कंपनी का ट्रैक्टर ले? नहीं देखो, मैं फिलहाल तो ये कहना चाहूंगा, देखो मैं यूँ नहीं कहता कि तुम वो लो यही लो, मेरे कहने से कोई नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं कह दूं कि नहीं आप तो 4x4 लो, स्वराज ही लो। देखो अपनी अपनी पसंद है, जो इंसान को किसी को मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पसंद है, किसी को एक्टिव, तो किसी को बुलेट पसंद है, अपने बजट के हिसाब से जिसको जो मन में आ रहा हो बिल्कुल वो लो। और हमेशा अकेला इंसान जाए, लेके जाए, कोई भी चीज खरीद के लाए अकेला लाए, किसी को साथ ना ले जाए, वहां जाके हाँ मैंने कर लिया था, मेरा दिमाग खराब कर दिया, कोई 855 पे लटक रहा है, कोई 44 पे लटक रहा है, ऐसे कर दिया था मेरे साथ, मतलब एक दिमाग खराब वाली बात। हाँ, तो मैंने फिर जब ट्रैक्टर निकाला मैं अकेले ही गया जी। एक वो वाली दिक्कत भी आ जाती है कि किसान जो है पैसे भी नहीं तोड़ा पाता जी, ये तो यहाँ तो नहीं तोड़ा पाता, ये हकीकत बात है। अपने खुल के बात कर लेगा डीलर से, आराम से बैठ जाएगा, तो जब भी ले तो कोई भी चीज हो अकेला लेने अकेला जाए संतुष्टि से लेके। अगर जब चाबी मिली हो या ट्रैक्टर ले हो, अपने मिलने वाले हो, जब लेके साथ जाए। बिल्कुल जी, पहले लेके ही ना जाए भेड़ी घट्टा। बाकी और क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रैक्टर के बारे में और क्या खूबी आपको नजर आई? देखो कंपनियां आज के समय में सैकड़ों हैं और हर कंपनी अपनी चीज की तारीफ करती है जी, जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चला रहे हो, देखो मैं किसी कंपनी का, मुझे किसी कंपनी का नाम नहीं लेने में अच्छा लगता कि कल को कंपनी वाले कहेंगे कि मेरा नाम ले रहा था। मुझे इससे भी सस्ता ट्रैक्टर मिल रहा था, हकीकत में बताऊं मुझे ये बहुत पसंद आया, मैंने मन को चढ़ा, जब मन को चीज चढ़ जाए तो ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे और भी ट्रैक्टर है, मतलब एक दिल में जुनून उठ गया था कि लेना है तो लेना है 4x4 लेना, बस ये देख लिया था मैंने, क्या नहीं था किसी से मुझे लेना है, बस मन में थी, बस मन में थी, आया नहीं था, 14 दिन वेट करना पड़ा, 14 दिन के बाद ट्रैक्टर मिला। पैसे 14 दिन तो बड़े कैड़े गुजरे होंगे। जी जी, बहुत कैड़े गुजरे थे, आज पूरी संतुष्टि। हाँ बहुत संतुष्टि है, बहुत अच्छी जोर लगाता है, 4x4 अलग ही है, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। सही बात है जी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आज हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, बड़ी शानदार जानकारी, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया। देखो हर किसान भाई का अपना अनुभव होता है, आप लोगों का हो सकता है अलग अनुभव हो, इनका अलग अनुभव है। किसी कंपनी की तारीफ या बुराई करने का मकसद मेरा किसी भी वीडियो में नहीं रहता दोस्तों, मेरा मकसद रहता है किसान का अपना अनुभव आप लोगों तक शेयर करना, ताकि आप भी अपना कल को डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिले। आप भी कंपनी की तरफ जाओ तो बड़ा सोच समझ करके डिसीजन लो अपना, जिससे कि आपको कल को कोई नुकसान वाली या दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों परफॉर्मेंस देखो आप ट्रैक्टर का किस तरीके का कैसा है, देखो नया ट्रैक्टर है दोस्तों, अभी इंजन भी रवाना नहीं हुआ, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी।
देखो। और 11 फाली का नया कल्टीवेटर है, बिल्कुल नई फालियां हैं, तो गहराई अच्छी खासी लेकर चल रहा है। और बिल्कुल कलर खेत था ये जिसके अंदर इसको चला रहे हैं दोस्तों। देखो परफॉर्मेंस देखो आप लोग ट्रैक्टर का, ये देखो ये देखो।